बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान तेजस्वी यादव विधानसभा नहीं पहुंचे, विदेश यात्रा पर थे, विदेश में मौजूद थे, लेकिन जब आखिरी दिन लास्ट दिन बचा, अंतिम दिन भी तेजस्वी यादव जो बिहार में ही थे लेकिन इसके बावजूद नहीं पहुंचे। विधान परिषद में राजद के एमएलसी की सदस्यता रद्द कर दी गई। राबड़ी देवी पर भी कई सारे सवाल उठाए गए। राबड़ी देवी अकेले विधान परिषद में हुंकार भरती रही, लेकिन तेजस्वी यादव घर पर मौजूद थे, सदन नहीं पहुंचे, और इसको लेकर लगातार तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार सत्ता पक्ष तेजस्वी यादव को घेरती नजर आ रही है। क्या तेजस्वी यादव की अब इच्छा नहीं विधानसभा आने की? हर जनप्रतिनिधि की ये दायित्व होती है कि वो अपने क्षेत्र की बातें सदन में रखे, सरकार को घेरे, सरकार से सवाल पूछे, लेकिन तेजस्वी यादव ये मौका हाथ से गंवा रहे हैं। जब बिहार में विधानमंडल का मानसून सत्र होता है उस वक्त तेजस्वी यादव विदेश में रहते हैं, और अगर आ भी जाते हैं तो घर पर बैठे रहते हैं, सदन नहीं पहुंचते। इसको लेकर हमारे साथ गणेश सम्राट जुड़े हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। गणेश, तेजस्वी यादव एक तो विदेश यात्रा पर थे चार दिन, जब वो आ भी गए अंतिम दिन, लेकिन इसके बावजूद वो सदन नहीं पहुंचे, घर पर बैठे रहे। बिल्कुल नेहा, देखिए बिहार में नेता विरोधी दल का जो दायित्व होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तेजस्वी यादव इस दायित्व में बिहार विधानसभा के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है कि नेता विरोधी दल मानसून सत्र की घोषणा के बाद विदेश चले जाते हैं, दिल्ली और दूसरे जगहों पर आते हैं, और बिहार में जब उनके विधायकों को उनकी जरूरत होती है, जब उनकी पार्टी को उनकी जरूरत होती है, तब वो मौजूद नहीं होते हैं। पिछले पांच दिनों से विधानसभा के अंदर जो विपक्ष की रणनीति सदन में दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखी। विपक्ष हल्ला हंगामा करते रह गया, शोर शराबा, और सरकार अपनी जो विधायकी कार्य है उसको पूरी तरीके से सदन में सफलता से उसे पास करवा ली। आज सदन के अंदर तेजस्वी यादव की मौजूदगी बेहद अहम थी। जिस तरीके से आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के आचरण के खिलाफ मामला लाया गया और राजद सहित तमाम विपक्षी सदस्य कह रहे थे कि यह सरासर गलत हो रहा है, लेकिन नेता विरोधी दल का दायित्व तो संभालने वाले तेजस्वी क्यों खामोश थे? जनहित से जुड़े कई मुद्दे थे जिस पर सरकार को घेरा जा सकता था, सरकार बैकफुट पर जा सकती थी, सरकार एक्सपोज हो सकती थी। नीतीश कुमार जो ढिंढोरा पीट रहे थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले पर, इसी विधानसभा से पारित विधेयक पर जब पारित करके भेजा गया था उस पर तेजस्वी यादव घेर सकते थे। जातिगत जनगणना के मामले पर आरक्षण की जो नीति लागू हुई थी उसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मामला जाने की बात की जा रही है, आज हाई कोर्ट से रोक लगी, सुप्रीम कोर्ट सरकार जाने की बात कर रहे, तो ऐसे मामले पर सीधे तौर पर सरकार जो है घिर सकती थी। जो आज उसकी एक बानगी दिखी जब माले के विधायक अजीत सिंह ने सवाल उठाया तो वोटिंग के मामले पर विपक्षी संख्या कम थी, फिर भी वोटिंग अगर होती तो आज सरकार मुसीबत में थी। तो ऐसे हालात में तेजस्वी यादव अगर सदन के अंदर मौजूद होता, विपक्ष के तमाम सदस्य मौजूद होते, मनोबल मजबूत होता, मनोबल के नहीं, तमाम सदस्य मौजूद होते। लेकिन तेजस्वी यादव पटना में है, पटना में रहने के बावजूद तेजस्वी विधानसभा की कार्यवाही में नहीं पहुंचे, एक भी दिन नहीं पहुंचे। कल देर शाम वो विदेश से भारत लौटे, पटना पहुंचे, अपने विधायकों के साथ बंद कमरे में बैठक करके बस कोरम पूरा कर लिया। राजद क्या इसी रणनीति के वजह से 2025 का चुनाव जीतेगी? ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, सरकार टूटने के बाद तेजस्वी यादव हाउस में नहीं आकर तेजस्वी हाउस से बाहर चले गए, यात्रा निकाल दिए नीतीश कुमार के खिलाफ, और आज जब आपको मौका मिला था नीतीश कुमार की नाकामियों को गिनाने का तो केवल फेसबुक और ट्विटर पर लिखकर आप नीतीश का विरोध नहीं कर बिल्कुल सकते। गणेश, ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अब वो ऐसे नेता बन गए हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया पर छाए रहते, अपने एक्स हैंडल पर, ट्विटर और फेसबुक पर सवाल उठा रहे थे बिहार में, आज आप विधानसभा में पहुंच के सरकार से सवाल पूछते और आपके सवाल पर सरकार को जवाब देना होता, आप जो पुलों की लंबी लिस्ट लगा रहे थे उस पर आपको बताना था, लेकिन तब तो आप हाउस में नहीं मौजूद रहे। आप हाउस में नहीं थे, आपके विधायक और आपके पार्टी के नेता कह रहे थे कि आप अस्वस्थ हैं, आप मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप कोर्स पूरा कर रहे हैं, आप रिलीफ ले रहे हैं साहब, जबकि सत्ता पक्ष के लोग, बीजेपी जो आपके विरोधी है, वो खोज रहे थे कि आप आइए, आप हमसे सवाल पूछिए, जनहित के मुद्दे पर सवाल कीजिए।
आप सदन के अंदर अगर मौजूद होते तो विपक्ष की जो भूमिका सदन में दिखनी चाहिए थी, जहां स्पीकर विपक्ष के विधायकों को मौका नहीं दे रहे थे, नेता विरोधी दल के हैसियत से उनको मौका मिलता, वो विपक्ष की बातें रखते तो सरकार फंसती। नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए तेजस्वी यादव सदन में नहीं रहकर एकदम सेफ गोल दे दिए थे कि जिसमें बैटिंग सत्ता पक्ष के लोग करते रहे और विपक्ष के लोग बेवजह का हंगामा करके एक्सपोज होते रहे। बिल्कुल, ये पांचों दिन बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला। क्योंकि बिहार के लोगों का पैसा होता, ये कोई मजाक नहीं होता। विधानसभा की कार्यवाही या विधान परिषद की कार्यवाही या संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही, उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और ये पैसा हमारे और आपके टैक्स के पैसे से आता है। ये किसी विधायक का जो वेतन जाता है किस लिए? कोई, क्योंकि हम चुन के भेजते हैं किसी विधायक को। तेजस्वी यादव को राघोपुर के मामले पर नहीं बोलना था। राघोपुर में बाढ़ से लोगों का जीना मुहाल हो गया है, पुल नहीं बन के तैयार हो रहा है, कई जगह पर बात थी। तेजप्रताप विधानसभा पहुंचे थे, एक सवाल उन्होंने नहीं पूछा, तो राजद विधायकों का सवाल कौन पूछेगा? तेजस्वी अपने इलाके का सवाल नहीं पूछ पाए, ना सवाल उनका सदन में आ पाया, और उनके नहीं रहने की वजह से राजद के जो सवाल पहले से विधायकों ने डाल रखा था वो भी सवाल नहीं पूछे गए विपक्ष के विधायकों के। कांग्रेस, राजद, वामदल के जो विधायक थे वो सवाल सदन में नहीं रख पाए क्योंकि विपक्ष के पास कोई रणनीति नहीं थी। हंगामा हुआ, वॉकआउट करके विपक्ष के लोग चले गए क्योंकि विपक्ष की बात सुनने के लिए ना स्पीकर ने समय दिया और ना ही सरकार सुनने के लिए तैयार थी। तो ये गैर रणनीति और गैर जिम्मेवाराना हरकत तेजस्वी यादव का सदन में दिखा। पांच दिन का मानसून सत्र खत्म हो गया। विपक्ष के पास जो कहने के लिए बचा है वो ये है कि वो सरकार के खिलाफ केवल हंगामा करते रहे और सदन सरकार चलाने में सफलता से आज सारे विधेयक को पास करा लिया। आज आखिर क्या हुआ? अंत में हंगामा और जो कोरम था वो पूरा हो गया। तेजस्वी यादव विपक्ष की भूमिका में है लेकिन वो जिस तरीके से सेफ, आराम, रिलैक्स कर रहे हैं, इससे उनको नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिला। अब तो जो उनके सहयोगी विधायक है वो भी पूछ रहे हैं कि नेता ही अगर ठीक होते तो रणनीति सदन में दिखती, सड़क पर दिखती, ना कि सोशल मीडिया पर। बिल्कुल गणेश, तेजस्वी यादव को लेकर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। आपने ढेर सारे मुद्दे पर बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव बिहार वापस आ गए लेकिन इसके बावजूद मानसून सत्र के एक भी दिन आए नहीं, उनको लेकर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे। तेजस्वी यादव अगर आते तो विपक्ष मजबूत होता, नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से वो सवाल भी पूछ सकते थे, लेकिन जब वो नहीं आए तो विपक्ष को ये मौका नहीं दिया गया। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।